गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलिनेशन क्या होता है और पोलिनेशन की जो टाइप हैं कौन कौन सी, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का जो डिस्कस है वो हमने किया था। तो पोलिनेशन के बाद ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। देखो बच्चों, मैं आपको पोलन ग्रेन के बारे में बता चुका हूँ और पिस्टल के बारे में भी बता चुका हूँ। मतलब मैं एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और जो एंड्रोसियम है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, जो गाइनोसियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ऐसे एंड्रोसियम के अंदर एंथर और फिलामेंट है, मैं आपको टोटली ये पीछे वाली वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। तो देखिए, पोलिनेशन में क्या हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन जो है एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाता तो उसी को हम पोलिनेशन बोलते हैं। जब पोलिनेशन हो जाती है उसके बाद की ये प्रोसेस आती है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो बच्चों, आपको यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए कि फ्लावर के अंदर मेल गैमेटोफाइट कौन है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फ्लावर में मेल गैमेटोफाइट कौन होता है, पोलन ग्रेन। और ऐसे ही फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट आर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब आपको पता है कि पोलन ग्रेन किसको कंटेन करता है, ये मेल गैमेट को कंटेन करता है। पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन के अंदर तो मेल गैमेट होता है, ऐसे ही एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, फीमेल गैमेट, एग होता है। अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के दौरान जो मेल गैमेट है वो जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है वहाँ तक पहुँचता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जिसको हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में पढ़ते हैं। मतलब पोलन ग्रेन का जो पिस्टल है उसके साथ कैसे इंट्रैक्शन होती है, वही पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में आ जाता है। तो देखिए इसमें और हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन, देखिए जो पोलन ग्रेन होता है कि जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसको मैंने पिस्टल बोला है, अब कौन सा पोलन ग्रेन उसके ऊपर आएगा। मतलब अब आप देखिए इन्वायरमेंट के अंदर तो बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं, मैंगो का पोलन ग्रेन है, ऐसे ही एप्पल का है या फिर गवावा का है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट और सराउंडिंग। तो एक जो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, उसके चारों तरफ बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं। देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से पढूं कि कुछ इस तरीके से ये आपके पास एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ फ्लावर्स हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लिया कि ये कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में क्या है, इसके सराउंडिंग में आप देखोगे, मान लिया कि ये मैंगो का ही है, ये प्लांट किसका है, मैंगो का। अब इसके सराउंडिंग में तो बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और ये कोई दूसरी स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन हैं। जैसे आप इसको मान लो कि ये जो है ना एप्पल के पोलन ग्रेन हैं, ये मान लेते हम अमरूद या गवावा, ऐसे ही हम ये पोलन ग्रेन इसके चारों तरफ मान लेते हैं इस तरीके से। ये कोई दूसरी स्पीसीज़ है, मैं इसको बोल देता हूँ जैसे स्पीसीज़ 1, स्पीसीज़ 2 और स्पीसीज़ 3, ठीक है। अब मैं मैंगो का ले रहा हूँ और मान लेते हैं ये मैंगो का पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो स्पीसीज़ 4 है ये मैंगो का पोलन ग्रेन है। ये वाला पोलन ग्रेन जो रेड कलर से मैंने आपको बताया, ये पोलन ग्रेन किसका है, मैंगो का। तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के दौरान राइट टाइप का पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर आता है तो वहाँ पे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा,
अगर यहाँ पे आप सोचो कि एप्पल का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चला जाए वो जर्मिनेट हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता भाई। ठीक है, चांस तो हर कोई मारता है शादी करने के लिए, लेकिन क्या होता है, जो राइट टाइप का पोलन मिलेगा, या कहने का मतलब राइट टाइप का दूल्हा वहाँ पे आएगा तभी तो शादी होगी। तो इसलिए ये यहाँ पे अपना चांस जो है वो खो देता है। कहने का मतलब है कि कौन से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करना है, या कौन से पोलन ग्रेन को रिसीव करना, जर्मिनेट करना है, वो सारा जो मतलब कि इन्फॉर्मेशन है या वो सोचने की जो पावर है वो प्लांट के किस पार्ट के पास होती है, पिस्टल के पास। मतलब पिस्टल के पास पोलन ग्रेन को जज करने की और राइट टाइप के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने की, उसको रिकॉग्नाइज करने की जो सेल्फ पावर है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो किसके पास होती है, पिस्टल के पास होती है। राइट, समझ गए आप लोग। तो पोलन ग्रेन को, कौन से पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होना है और कौन से पोलन ग्रेन को वहाँ से हटाना है, या किस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देना, वो उस सारी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की जो सेल्फ कॉम्पैक्टेबिलिटी है वो किसके पास होती है, पिस्टल के पास होती है। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैंगो के प्लांट के पास अगर एप्पल का पोलन ग्रेन आ गया है तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, गवावा का जर्मिनेट नहीं होगा, और कोई दूसरी स्पीसीज है तो उसका भी जर्मिनेट नहीं होगा। तो राइट टाइप का जब पोलन ग्रेन आएगा उस प्लांट्स की स्टिग्मा के ऊपर तो ही जर्मिनेट होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता था कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के दौरान राइट टाइप का पोलन ग्रेन भी आ सकता है और रोंग टाइप का पोलन ग्रेन भी आ सकता है। तो यही मैं बता रहा था आप लोगों को, देखिए कि जो पोलन ग्रेन है वो प्लांट पे दो वे में आ सकते हैं, इस तरीके से। एक तो होता है राइट टाइप पोलन ग्रेन, एक होता है रोंग टाइप पोलन ग्रेन। ठीक है बच्चों, राइट टाइप पोलन ग्रेन क्या होगा, अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन, ठीक है, उसी स्पीसीज के प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर आया है तो उसको तो हम बोलेंगे राइट टाइप का पोलन ग्रेन। और अगर डिफरेंट स्पीसीज का प्लांट उस प्लांट पे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैंगो का प्लांट है, ठीक है, और ये एप्पल का पोलन ग्रेन है, तो एप्पल का पोलन ग्रेन जब इसकी स्टिग्मा पे लैंड तो कर जाएगा लेकिन जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये पोलन ग्रेन क्या है, राइट टाइप का नहीं है, रोंग टाइप का पोलन ग्रेन है। तो रोंग टाइप का पोलन ग्रेन क्या होगा, इनकॉम्पैक्टेबल, वो जर्मिनेट नहीं होगा, और राइट टाइप का क्या होगा, कॉम्पैक्टेबल, कॉम्पैक्टेबल पोलन ग्रेन, और ये क्या होगा, इनकॉम्पैक्टेबल, इनकॉम्पैक्टेबल। कॉम्पैक्टेबल क्या होते हैं, राइट टाइप के पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन अगर उसी स्पीसीज की स्टिग्मा पे लैंड करता है तो राइट टाइप का, और अगर डिफरेंट स्पीसीज का पोलन ग्रेन, और जैसे कि मैंगो के ऊपर डिफरेंट स्पीसीज का पोलन ग्रेन अगर मैंगो की स्टिग्मा पे लैंड करता है तो क्या होगा, रोंग टाइप का, या इनकॉम्पैक्टेबिलिटी। कॉम्पैक्टेबिलिटी और इनकॉम्पैक्टेबिलिटी शो कौन करेगा, पिस्टल का स्टिग्मा रीजन, स्टिग्मा मतलब कौन शो करेगा, पिस्टल। तो इसको ध्यान से पढ़ें, पिस्टल के पास सेल्फ और नॉन सेल्फ, इसको रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी पिस्टल के पास में होती है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन वो मेल गैमेट को रखता है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक वो किसको रखता है, एग को रखता है। और इन्हीं दोनों को हम लोगों को क्या कराना है, इन्हीं दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन करानी है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बाद की प्रोसेस है ये। तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या होता है, राइट टाइप का पोलन ग्रेन राइट टाइप की स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तभी जर्मिनेशन होगा। तो ये बात आप विशेष करके ध्यान से पढ़ें और समझें। तो मैं ये कह रहा था कि पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ध्यान से सुने बच्चे, समझ रहे हैं, पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप और रोंग टाइप, मतलब कॉम्पैक्टेबल और इनकॉम्पैक्टेबल टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब राइट टाइप के पोलन ग्रेन को और रोंग टाइप के पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी किसके पास है, पिस्टल के पास है। ये बात आप विशेष करके ध्यान से सुने और समझें, ठीक है।
अब हम एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए अगर ऐसा हो जाए ये मैंने क्या बनाया है एक पिस्टल बनाया है ठीक है। इसके तीन पार्ट होते हैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है स्टिग्मा होता है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं ओवरी बोलते हैं ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल ये ओव्यूल होता है ठीक है बच्चों। अब देखिए अब ये क्या होता है स्टिग्मा ये रिसेप्टिव सरफेस है। अगर यहाँ से मैं इस तरीके से बताऊँ यहाँ से एंथर के अंदर क्या बनते हैं ये एंथर है एंथर में क्या बनता है पोलन ग्रेन ठीक है। ये क्या होता है फिलामेंट ठीक है ये स्टीराइल पार्ट है और एंथर क्या होता है फर्टाइल पार्ट होता है। अब पोलन ग्रेन जब भी एंथर डाइहेंस होगा पोलन ग्रेन इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे और एक्सटर्नल एजेंट इंसेक्ट बर्ड्स बैट्स या वाटर में है तो वाटर के जरिए या अदर एक्सटर्नल एजेंट से पोलन ग्रेन क्या करेंगे ट्रांसफर हो जाएंगे किसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं पोलिनेशन। क्या होता है पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इसको पोलिनेशन बोलते हैं ठीक है। ये यहाँ मेरे को ये बताने का मेन मतलब यही है कि पोलिनेशन क्या है पोलन ग्रेन क्या है सब बता चुका हूँ मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है। देखिए एक बार फिर एक्सप्लेन कराऊँ कि इस सराउंडिंग में बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे ये मैंगो का पिस्टल है ठीक है बेटा। अब देखिए इसके ऊपर मान लेते हैं कि सराउंडिंग से इस स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे कोई पोलन ग्रेन आ गया और स्टिग्मा पे लैंड कर गया ठीक है। उसके बाद एक पोलन ग्रेन और आ गया जो वो भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है। उसके बाद एक पोलन ग्रेन और आ गया वो भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है ठीक है। अब ये आता है राइट टाइप का पोलन ग्रेन ठीक है ये मैंगो का है ठीक है मैंगो का पोलन ग्रेन है मैंगो की स्टिग्मा के ऊपर आया है। तो आप सोच के देखिए क्या ये वाला पोलन ग्रेन जो कि दूसरी स्पीसीज का है क्या इस मैंगो की स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो पाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है कि एक लड़की को देखने के लिए चार दूल्हे चले गए जैसे आज के टाइम में तो नॉर्मल है जो इंटर कास्ट मैरिज हो जाती हैं आज के टाइम में तो सब जगह नॉर्मल है। बट इसको आप थोड़ा सा जो मतलब हमारा जो पुराना इतिहास है वहाँ जा कर के देखें तो हम लोग जो है ना सेम जाति के जो लोग थे उन्हीं के अंदर शादी करते हैं जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट है तो उसी कास्ट का जो इंडिविजुअल है मेल फीमेल है उन्हीं के अंदर हम मैरिज करते हैं ऐसा नॉर्मली हम देखते हैं आज के टाइम में नॉर्मल है इसको आज का एग्जाम्पल मत समझना। तो देखिए मान लें कि ये दूसरी स्पीसीज का है तो इस स्पीसीज के तो लोग जो हैं जैसे कि यहाँ पे ये मैंगो है ये दूसरी स्पीसीज का है नीम का किक्कर का या कोई दूसरी स्पीसीज का तो यहाँ पे ये आएगा जरूर मतलब उस लड़की को देखने के लिए जरूर आएगा लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्योंकि वो राइट टाइप का पोलन ग्रेन नहीं है हमारी जाति का नहीं है इस वजह से इसको इग्नोर कर दिया जाएगा ऐसे इसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा इसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा। और ये इग्नोर करने की पावर किसके पास है लड़की वालों के पास है मतलब किसके पास है पिस्टल के पास है बार बार बता रहा हूँ मैं किसके पास है इस पिस्टल के पास है कि कौन सा दूल्हा से हमें शादी करनी है मतलब कौन से पोलन ग्रेन को हमें स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद जर्मिनेट करवाना है। तो यही बात आपको ऐसे समझनी है कि जब ये पोलन ग्रेन यहाँ आ जाएगा तो ये पोलन ग्रेन जो कि इसी स्पीसीज का है वो क्या हो जाएगा जर्मिनेट क्या हो जाएगा जर्मिनेट हो जाएगा ठीक है। हाँ एक बात और सुनने वाली है जो प्लांट एक प्रॉपर्टी शो करता है सेल्फ इनकॉम्पैक्टेबिलिटी क्या शो करता है सेल्फ इनकॉम्पैक्टेबिलिटी उसमें देखिए क्या होता है देखिए
सेल्फ सेल्फ इनकॉम्पैक्टेबिलिटी। देखिए जैसे यहां पे ये पिस्टल आपको बता रहा हूं मैं इस तरीके से, ठीक है, इसके पास इस पिस्टल के पास S1 S2 जीन है, S1 S2 जीन है, S1 S2 जीन है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे S1 और S2 टाइप के पोलन ग्रेन आ जाते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। अब आप देखिए S1 S2 S2, ठीक है। तो सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा जो होती है ना वो सेम प्लांट के और सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन को क्या करती है, जर्मिनेट नहीं करवाती, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट की जो स्टिग्मा है या प्लांट जो है वो वेरिएशन के लिए ऐसा शो करता है, इस प्रॉपर्टी को शो करता है कि देखिए पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के दौरान अगर सेम फ्लावर और उसी प्लांट के कोई दूसरे फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन आ जाता है तो स्टिग्मा के पास ये भी एबिलिटी है कि वो उसको जर्मिनेट नहीं कराएगी, और ऐसा इस किस लिए करती है, टू प्रमोट आउटब्रीडिंग या क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए वो इस प्रॉपर्टी को शो करती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अगर यहाँ पे S3 और S4 टाइप के पोलन ग्रेन आ जाते हैं, सेम स्पीशीज लेकिन डिफरेंट प्लांट, सेम स्पीशीज डिफरेंट प्लांट का अगर पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाता है तो वो क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस के दौरान आता है और इसको ये जर्मिनेट करवा देगी, ठीक है। मतलब ये कैसा पोलन ग्रेन है, कॉम्पैक्टेबल पोलन ग्रेन, राइट, समझे आप लोग। तो मैंने आप लोगों को यही बताया है कि जैसे अगर S1 और S2 जीन यहाँ प्रेजेंट है, उसी टाइप के पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं ये भी, लेकिन प्लांट के पास ये एबिलिटी है कि सेम फ्लावर के सेम प्लांट के पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं तो सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी से वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और ये किस में आ जाते हैं, रोंग टाइप के पोलन ग्रेन में आ जाता है। ये दो केस में होता है, सेम फ्लावर के सेम प्लांट के या डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन अगर ऐसा शो करते हैं तो क्या है, यहाँ पे ये जर्मिनेशन नहीं होंगे, या आप ध्यान रखें ये भी स्टिग्मा के पास जो है कैपेबिलिटी होती है। और जब राइट टाइप का पोलन ग्रेन आ जाता है, जैसे कि S4 राइट टाइप का क्यों है, क्योंकि सेम स्पीसीज का है, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से आया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी तो बात हमें समझ में आ गई कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे कैसे आता है, वो कैसे मतलब कि सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कौन करता है, मतलब रोंग टाइप और राइट टाइप का पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कौन करता है, मतलब राइट टाइप मतलब कॉम्पैक्टेबल और रोंग टाइप इनकॉम्पैक्टेबल, ठीक है। अब देखिए पोलन ग्रेन आ चुका है, मतलब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड कर चुका है, आगे की प्रोसेस में क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये आपको पता ही है, पिस्टल है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या होता है, रिसेप्टिव सरफेस ऑफ ए पिस्टल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये क्या है, ओवरी, ठीक है। अब देखिए ये पिस्टल है और इसके ऊपर
ये पोलन ग्रेन लैंड कर जाता है, ठीक है। अब आपको पता ही है, एक बार थोड़ा सा आपको पोलन ग्रेन के बारे में बता देता हूँ। जो पोलन ग्रेन होते हैं ये टू सेल स्टेज में होता है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। आप पोलन ग्रेन के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, बस थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, एक पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन के पास क्या है, हमारे मेल गैमेट हैं, मेल गैमेट। पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, दैट कैन कंटेन मेल गैमेट ऑफ ए फ्लावर। उस फ्लावरिंग प्लांट के मेल गैमेट किसके पास होते हैं, पोलन ग्रेन के पास होते हैं, ठीक है। ये दो सेल स्टेज में मैंने आपको बताया था, इसको हमने क्या बोला था, ये आपका है जनरेटिव सेल और ये आपका क्या है, वेजिटेटिव सेल। पता है ना, लार्ज सेल वेजिटेटिव, स्मॉल सेल जनरेटिव सेल, ठीक है। और ये आपको पता ही है, ये क्या है आपकी, ये आउटर मोस्ट लेयर है, क्या नाम है इसका, एग्जाइन। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीज आर द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का हार्डेस्ट मटेरियल है, इसको रजिस्ट करता है किसी भी डैमेज से और आउटर सराउंडिंग में इसको एग्जिस्ट करवाता है। तो एग्जाइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का। उसके बाद ये वाली जो लेयर होती है, ये क्या होती है, इसके एंटाइन, क्या होती है बच्चों, एंटाइन। और एंटाइन किसकी बनी होती है, पैक्टो सेलुलोज की, मतलब पैक्टिन और सेलुलोज की, ठीक है। यहाँ जो पोलन ग्रेन, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन की आउटर मोस्ट लेयर नहीं है, जैसे इस एरिया के अंदर नहीं है, इस एरिया के अंदर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन या आउटर मोस्ट लेयर एग्जाइन की जो बाउंड्री है वो अब्सेंट है, इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर, यहाँ पे क्या है, स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है, इसी पोर को बोलते हैं क्या, जर्म पोर। ये जर्म पोर है, समझ रहे हैं आप लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और इसी जर्म पोर से क्या निकलता है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब पोलन ग्रेन यहां लैंड करेगा ना स्टिग्मा के ऊपर, तो वो जर्मिनेट कहां से होगा, वो पोलन जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलेगी। और जर्म पोर से जब पोलन ट्यूब निकलेगी तो वो स्टाइल के अंदर जाएगी और फिर क्या करेगी, एट लास्ट ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। तो जब ये पोलन ग्रेन पोलिनेशन प्रोसेस से स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो वहाँ पे क्या होता है वो हमने पढ़ना है अभी। तो देखिए क्या होता है, अब जो ये स्टाइल है, ये स्टाइल की कंपोजिशन तीन तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है सेमी सॉलिड, क्या हो सकती है, सेमी सॉलिड। एक हो सकती है बिल्कुल खाली, होलो, क्या हो सकती है, होलो। और एक क्या हो सकती है, सॉलिड। तो स्टाइल की कंपोजिशन तीन तरीके से हो सकती है, जो स्टाइल है बिल्कुल खोखली हो सकती है, जो स्टाइल है सेमी सॉलिड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है, तो देखिए अगर सड़क से आप जाओगे और सड़क बिल्कुल सुनसान है तो चलना आसान है, मतलब वो जो गाड़ी हमारी बहुत फास्ट निकल जाएगी, क्योंकि सड़क के ऊपर किसी भी तरीके का हर्डल नहीं है, कोई भी बीच में रुकावट नहीं है। अगर आपका स्टाइल जो है बिल्कुल खाली है ऐसे टाइप में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और बिल्कुल सीधी आ जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ये आ जाती है, अगर सेमी सॉलिड है तो इसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, थोड़ी सी रुकावट का मतलब क्या है, बैक फ्लो लगेगा, बैक फ्लो, ठीक है। और अगर बिल्कुल सॉलिड है तो ये कंडीशन समझने वाली है, ठीक है, अगर आपकी स्टाइल, पिस्टल की स्टाइल अगर सॉलिड है तो क्या होता है, ये देखिए आप लोग, ठीक है, यही मेरे को बताना है, ध्यान से सुनिए।
दोबारा ही लिख लेते हैं। देखिए एक बार फिर हम पिस्टल को बना रहे हैं। ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया अगर ये स्टाइल सॉलिड है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसमिटिंग टिश्यू भी बोलते हैं, ट्रांसमिटिंग टिश्यू। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड कर गया। आपको पता ही है वही टू सेल स्टेज का पोलन ग्रेन है, और यहाँ पे इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, और जहाँ जहाँ ये एब्सेंट है ऐसे ये एग्जाइन है, बीच बीच में जो स्पेस मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये वाला ये जर्म पोर है इस तरीके से, ये आपको पता ही है। ये आपका क्या है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ये क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन से पोलन ग्रेन जो है पोलिनेशन प्रोसेस से आ चुका है। तो आपकी जो स्टाइल है वो क्या है, सॉलिड। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ पे पैक्टिन प्रेजेंट है, पैक्टिन प्रेजेंट, पैक्टिन, पैक्टिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पैक्टिनेज एंजाइम है, पैक्टिनेज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम पैक्टिन को डिसॉल्व करेगा, पैक्टिनेज एंजाइम पैक्टिन को, जो ये कंडक्टिंग टिश्यू है ना बेटा, ट्रांसमिटिंग टिश्यू, ये पैक्टिन का बना हुआ है, पैक्टिन का, डू यू नो पैक्टिन, ये पैक्टिन का बना हुआ है, और पैक्टिनेज या पैक्टेज एंजाइम इसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, क्या कर देगा, डिसॉल्व करेगा इसको। और जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ कहाँ जाएगा, यहाँ स्टिग्मा के पास, यहाँ जाएगा, यहाँ अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वाटर भी होता है, आप ये याद रखें। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर प्लस जो पैक्टिनेज, जो पैक्टिन का पार्टिकल है वो भी प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं वाटर प्लस पैक्टिन सब्सटेंसेस प्रेजेंट द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा और इस तरीके की जो केमिकल कंपोजिशन शो होगी, पैक्टिनेज पैक्टिन को डिसॉल्व करेगा और पैक्टिन के सब्सटेंस स्टिग्मा के अपर सरफेस पे जाएंगे, वाटर वहाँ प्रेजेंट है, पैक्टिन का सब्सटेंस वहाँ प्रेजेंट है, तो जो पोलन ग्रेन है वो ड्राई है, पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। समझ रहे हैं, पोलन ग्रेन जो कि ड्राई है वो क्या करेगा, इस वाटर को और इस अदर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करेगा। इन विच एरिया, कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, पोलन कहाँ से, जर्म पोर से, जर्म पोर से, जो जर्म पोर एरिया है वहाँ से वाटर, और अगर हम बात करें अदर सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वाटर कैन एंटर इनटू इट। जब वाटर पोलन ग्रेन के अंदर जाएगा तो पोलन ग्रेन क्या होगा, टर्जिड होगा, स्वेल होगा, और जैसे ही वो स्वेल होगा तो क्या होगा, विद इन फ्यू मिनट या विद इन द टाइम जर्म पोर से पोलन ट्यूब जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे अगर हम जिक्र करें, यहाँ जर्म पोर था, जर्म पोर से क्या जनरेट हो जाएगी, पोलन ट्यूब जनरेट हो जाएगी इस तरीके से। ये पोलन ट्यूब है, क्या है आपकी, पोलन ट्यूब। तो बेटा पोलन ट्यूब जनरेट हो जाएगी जर्म पोर से, क्यों, क्योंकि अभी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन से राइट टाइप का पोलन ग्रेन वहां पे लैंड किया है, उसने वहां पे क्या है, वाल हेल्ड रिकॉग्निशन फैक्टर से वो चिपका है वहां पे,
क्यों? क्योंकि वाटर और अदर सब्सटेंसेस उसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो जब वाटर और अदर सब्सटेंसेस को पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा तो जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलेगी। समझ रहे हैं? अब यही बात हम लोगों को थोड़ा सा सुनने वाली है कि देखिए, मैं एक बार दोबारा से इस चीज़ को और इजी बना के समझाता हूँ आपको कि क्या होता है। देखिए, छोटे छोटे से कंसेप्ट पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के अंदर जनरेट हो रहे हैं। आपको मैंने ये बताया, ये देखिए, हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन आया और इस तरीके से ये आपका वेजिटेटिव सेल है, पता है आपको, ये आपका जनरेटिव सेल है, ठीक है, और ये तो आपको पता ही है। इसके चारों तरफ क्या है, आउटर मोस्ट सेल स्पोरोपोलन इनकी बनी हुई है। अब देखो, यहाँ से पोलन जो ट्यूब है वो जनरेट होगी ऐसे टाइप में, ये पोलन ट्यूब जो है वो जनरेट हो जाती है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, ठीक है। ये आपका कैसा एरिया था, सॉलिड एरिया है, अब इसको डिजोल्व किया जा रहा है। क्यों? एक तो जो आपकी ये पोलन ट्यूब है, इसका जो टिप रीजन है, ये अपने यहाँ पे कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज कर देगी, तो वो इसको क्या करेगी, डिजोल्व करेगी। ये भी साथ में जो पैक्टिनेज एंजाइम है, उसने भी इस पैक्टिन को डिजोल्व कर दिया था। जब ये इसको डिजोल्व करेगी तो ये पोलन ट्यूब क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन एक बात आप सोच के देखिए, जब यहाँ पे बीच में रुकावट है तो बैकफ्लो लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मान लिया मैं रास्ते से जा रहा हूँ और बीच बीच में गाड़ी आ रही है, तो वो चीज़ हमें अपोज करेगी, वो हमें पीछे की तरफ धकेलेगी। तो ऐसे पोलन ट्यूब बैकफ्लो ना करें, या पोलन ट्यूब के अंदर जो हमारे मेल गैमेट हैं, जैसे कि ये हमारे क्या हैं, टू मेल गैमेट, और ये आपका क्या है, ये वेजिटेटिव सेल या ट्यूब न्यूक्लियाई है। ट्यूब न्यूक्लियाई आगे की तरफ होता है, मेल गैमेट पीछे की तरफ होते हैं। तो जब ये सरफेस एरिया आपका, जो आपकी स्टाइल है, उसके अंदर ये जो सॉलिड कंडक्टिंग टिश्यू है, जब ये डिजोल्व होता है तो क्या होता है, कई बार अपोज करता है पोलन ट्यूब को, और पोलन ट्यूब को अपोज करता है, तो कभी ये पोलन ट्यूब बैकफ्लो ना करे। क्या समझ रहे हैं आप लोग, ये पोलन ट्यूब बैकफ्लो ना करे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जैसे पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, अब जो ये मेल गैमेट हैं, इसको आप ऐसे समझें, अब ये मेल गैमेट कहाँ पहुँच गए, यहाँ आपका ट्यूब न्यूक्लियाई है ये वाला, ठीक है, और आपके ये दो मेल गैमेट हैं, ये यहाँ पहुँच गए, टू मेल गैमेट। तो यहाँ बीच बीच में पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, कैलोज प्लग होता है, कैलोज प्लग। ये जो कैलोज प्लग है, ये देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये कैलोज प्लग हो गया, यहाँ पे कैलोज प्लग हो गया। तो जब पोलन ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन इट कैन एंटर इनटू द स्टाइल, तो जो स्टाइल का सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल है वो पोलन ट्यूब को अपोज करेगा, बैकफ्लो मारेगा। तो बैकफ्लो को रोकने के लिए कौन होते हैं, कैलोज प्लग होते हैं, मतलब टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मेल गैमेट। ये याद रखें, मेल गैमेट का बैक फ्लो ना हो तो उनको कौन रोकता है, कैलोज प्लग, जो कि पोलन ट्यूब में प्रेजेंट है। तो जैसे यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ तक आ जाएंगे आपके मेल गैमेट, फिर थोड़े से और नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे ये क्या है आपके, यहाँ पे, यहाँ ओवरी है, ऐसे टाइप में ये ओव्यूल है, और इसी के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक और उसके अंदर फीमेल गैमेट पड़ा हुआ है। अब ये देखिए, अब ये पोलन ट्यूब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो आपके मेल गैमेट यहाँ पे आ गए,
ये आपका ट्यूब न्यूक्लियाई है ये वाला, ठीक है, और ऐसे ही ये आपके जो मेल गैमेट है वो यहाँ तक पहुँच गए, समझ रहे हैं ना आप लोग, कन्फ्यूज मत हो ना, ये आपके यहाँ। तो जो ये कैलोज प्लग हैं ये पोलन ट्यूब में बनते रहते हैं। अब जैसे कि कैलोज प्लग यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो ये क्या होगा कि ये बैक फ्लो को रोकेंगे, समझ गए हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या होगा कि अब जो पोलन ट्यूब है देखिए, ये आपका ओव्यूल है। अब ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब, इसके थ्री वे हैं, थ्री वे, ये मतलब कि एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर तीन रास्ते से एंटर कर सकती है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वाला एंड है इसका आपके ओव्यूल का, तो ये कौन सा एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड, ये आपका कौन सा है, चलाजल एंड, चलाजल एंड, और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये इस पे इंटेगुमेंटेड लेयर होती हैं ऐसे टाइप में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, ठीक है। तो बेटा अगर आपकी पोलन ट्यूब अपने मेल गैमेट को लेकर के अगर वो एंटर तो करती है माइक्रोपाइलर एंड से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये कंडीशन होती है, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड से, समझ गए। और अगर ये पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब आपकी एंटर करती है डायरेक्टली चलाजल एंड से, तो वो जो सेकंड कंडीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, चलाजोगैमी, इसको हम बोलेंगे चलाजोगैमी। और चलाजोगैमी आप किसके अंदर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कैसुरीना के अंदर, कैसुरीना के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर करती है। और यही पोलन ट्यूब अगर एंटर करती है इंटेगुमेंटेड एरिया से, कहाँ से, इंटेगुमेंटेड एरिया, ये इंटेगुमेंट है ना जो मैंने ब्लू कलर में दिखाए हैं, अगर आपकी पोलन ट्यूब एंटर करते हैं इंटेगुमेंट एरिया से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीजोगैमी, मीजोगैमी, ये आप देख सकते हैं कुकरबिटा के अंदर, कुकरबिट्स या कुकरबिटा के अंदर, तो कुकरबिटा के अंदर आप मीजोगैमी देख सकते हैं, कैसुरीना के अंदर चलाजोगैमी, और मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पोरोगैमी, समझ रहे हैं। अब देखिए अब हम इसका थोड़ा सा लास्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। एक कंडीशन आ जाती है अगर यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है अगर उसके दो जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है, जैसे अगर एक पोलन ट्यूब निकलती है तो उस पोलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, मोनोसिफोनस कंडीशन, क्या बोलेंगे, मोनोसिफोनस कंडीशन, वन पोलन ट्यूब प्रेजेंट, एक पोलन ट्यूब अगर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन पे तो मोनोसिफोनस, या एक जर्म पोर प्रेजेंट है, ठीक है, और एक से ज़्यादा अगर पोलन ट्यूब जनरेट होती हैं तो पॉलीसिफोनस, पॉलीसिफोनस कंडीशन। ये ज़्यादातर आप किस में देख सकते हैं, जो मालवेसी फैमिली के
मेंबर हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं पॉलीसिफोनस कंडीशन, ठीक है। मैनी पोलन ट्यूब आर प्रेजेंट, इसमें एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब प्रेजेंट होगी पॉलीसिफोनस में, और इसमें एक पोलन ट्यूब प्रेजेंट होगी। अब देखिए जो एक लास्ट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, देखो बच्चों ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। इस एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दो सेल हैं जिसको हम बोलते हैं टू सिनर्जिड सेल, टू सिनर्जिड सेल, ठीक है। अब जब भी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और वो माइक्रोपाइलर से एंटर करेगा इस तरीके से, तो इस पोलन ट्यूब के अंदर आगे की तरफ मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियाई होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियाई होता है, और पीछे की तरफ दो मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? टू मेल गैमेट, दो मेल गैमेट होते हैं, और ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्यूब न्यूक्लियाई है। तो ट्यूब न्यूक्लियाई जो है ना वो दो मेल गैमेट की एंट्री में मदद करते हैं, मतलब कि जो एम्ब्रियो सैक में है ना, एम्ब्रियो सैक में जो फीमेल गैमेटोफाइट पड़ा हुआ है वहाँ एंट्री में मदद करते हैं, मतलब जो मेल गैमेट है कि वो किस तरीके से जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एंटर करें, तो उसकी मदद करते हैं, बस एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है कि जो मैंने आपको ये बताया एम्ब्रियो सैक, तो यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल हैं, ये सिनर्जिड सेल, इस सिनर्जिड सेल में यहाँ पे माइक्रो सॉरी फिलीफॉर्म अपारेटस प्रेजेंट हैं, फिलीफॉर्म अपारेटस प्रेजेंट हैं। ये फिलीफॉर्म अपारेटस पोलन ट्यूब को गाइड, जो गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब फिलीफॉर्म अपारेटस इस पोलन ट्यूब को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, इसको एंटर करवाते हैं किसके अंदर, यहाँ पे, और ये डिजोल्व हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और ये आपके पोलन ट्यूब में जो मेल गैमेट हैं वो दोनों एंटर कर जाएंगे, ये टू मेल गैमेट जो हैं वो एंटर कर जाएंगे। आपको मैं इससे पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं कि जो सिनर्जिड सेल होते हैं उनके ऊपर यहां पे एग सेल होता है, वन एग सेल, तो वो एग सेल तो यहां प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि जो आपके सिनर्जिड सेल हैं वो डिजोल्व हुए हैं क्योंकि उन्होंने पोलन ट्यूब को एंटर करवा दिया, तो ये आपका जो एक एग है वन एग वो यहां पे प्रेजेंट होगा, समझ गए। और उसके बाद फिर वन एग और एक मेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। अभी तो हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के एक टॉपिक को कवर किया है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या हुआ। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में मैंने आप लोगों को यह बताया कि जब पोलिनेशन प्रोसेस होती है एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, ये पोलिनेशन होती है, और राइट टाइप का अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप के पिस्टल के ऊपर आया है तो वो जर्मिनेट होगा कॉम्पैक्टेबल प्रोसेस से, कुछ केमिकल कंपोजिशन वहाँ पे चलेगी जिससे जो स्टाइल के अंदर पैक्टीन है वो डिजोल होगा, पैक्टीनेज एंजाइम उसको डिजोल करेगा, वो डिजोल होकर के ऊपर की तरफ स्टिग्मा पे आ जाएगा, वहाँ पे वाटर और अदर सब्सटेंसेस को राइट टाइप का पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा, वो स्वेल हो जाएगा, पोलन ट्यूब जनरेट होगी जर्म पोर से, वो क्या करेगी उसको डिजोल करती हुई किसकी तरफ जाएगी, जो बेसल पार्ट है जो ओवरी के अंदर ओव्यूल पड़ा है एम्ब्रियो सैक है उसमें जो फीमेल गैमेट है वहाँ तक जाएगी। अब पोलन ट्यूब कैसे एंटर करती है, वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी, चलाजल एंड से एंटर करती है तो चलाजोगैमी, और इंटेगुमेंट से एंटर करती है तो मीजोगैमी। ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का कंप्लीट टॉपिक था, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आप पढ़ते रहिए।